आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने के लिए। बेसिक कोरोना केयर विषय पर जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय विद्या भवन सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य कर्मियों को चुस्त दुरुस्त रहने की बातें कहते हुए कहा कि इस संक्रमण काल में मरीजों की सेवा सर्वोत्तम सेवा है। साथ ही डॉक्टर पी के सिन्हा ने स्वास्थ्य कर्मियों को प्रैक्टिकल करके जानकारी दी। आज से बुखार चढ़ा 3 दिन के बाद टेस्ट करा लेना चाहिए। 3 दिन से 5 दिन के बीच में जो आपका पीरियड है उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इस बात को गांठ बांध लें। कोई जांच करा के चला आया हो उसके रिपोर्ट पर रिलाई ना करें। बेवकूफी वाला काम ना करें। कोई दिखा दिया रिपोर्ट आंख बंद करके, आजकल सीटी का रिपोर्ट दिखाता है लोग तुरंत ऑक्सीजन चढ़ाता है। ये हम लोग कोई गिरी कर रहे हैं। हम लोग मेडिकल साइंस का प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे में चूक हो रहा है और मरीज उससे सफर कर रहा है। तो जांच कब कराना चाहिए? जब सिम्टम शुरू हो गया उससे 3 से 5 दिन के बाद अगर आप जांच कराते हैं और उसमें एबनॉर्मल फाइंडिंग मिलता है तो बी वेयर ऑफ कोरोना सीवियरिटी। सावधान, कोरोना सीवियर होने वाला है। जांच का रिपोर्ट बता देगा, वो भी 3 से 5 दिन के अंदर होना। रिपोर्ट प्रीवियस रिपोर्ट को ऐसे ही नचा के फेंक दीजिए। अगर कोई प्रीवियस रिपोर्ट लाके कहता है कि हमारा ये रिपोर्ट है, हाल ही में तो कराए हैं, तो उसको कहिए कि इसकी जरूरत नहीं। आपका बुखार मान लिया कि 3 तारीख को हुआ है तो 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक का रिपोर्ट हमको चाहिए। हम सभी डॉक्टर लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन जरूर कराए। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। शॉर्टकट ट्रीटमेंट और लोगों को फुसला देना या लोगों की वजह से दबाव में आकर के न करना, ये हमारा डिफॉल्ट है। 3 से 5 दिन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? तो हर का सीबीसी होना चाहिए विथ पेरिफेरल स्मियर। पेरिफेरल स्मियर कराने से बहुत सा डिजीज डायग्नोज हो जाता है, इसीलिए अगर मलेरिया पता चल जाता है और भी बहुत सारे ब्लड डिजॉर्डर पता चलता है, मैलिग्नेंसी पता चल जाता है, तो सीबीसी कराएं, साथ में पेरिफेरल स्मियर भी जरूर कराएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन अभी कोरोना के वक्त है CRP। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला अगर एक इन्वेस्टिगेशन है दैट इज CRP। CRP बोल